हेलो गाइस, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं। कभी कभी गाइस आप लोगों ने देखा होगा फोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं होती है, फोन में फुल भी सॉल्टिंग नहीं होती है, हाफ सॉल्टिंग नहीं होती है, फोन ओके होता है जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करते हो, मगर गाइस फोन ऑन क्यों नहीं होता है? यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा डेड प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, क्योंकि इसे भी हम लोग कहते हैं डेड प्रॉब्लम। जो फोन ओके होता है फिर भी ऑन नहीं होता उसे भी हम लोग बोलते हैं डेड प्रॉब्लम। तो आप लोग कैसे करते हो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, पहले आप लोग देख लो, क्योंकि गाइस आप लोग जानते हो करण मैं कुछ भी बताते हैं, पहले यहाँ पर कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर उसी प्रॉब्लम को मैं ठीक करके दिखाता हूँ। गाइस इन फोन को पहले मैं बाहर रखूंगा, अभी चेक करके भी दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो डेड प्रॉब्लम किस तरह से आती है। जो फोन सही होगा ओके होगा, देखो मैंने क्या बताया, जो फोन सही होगा ओके होगा जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करोगे वहां पर एक तरफ से 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आए आए। ठीक है, जो फोन ओके होगा सही होगा जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करोगे एक तरफ से 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आए, और जब वायर बदल के चेक करोगे वहां पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आए तो फोन ऑन हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है फोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि गाइस फोन ओके है। फिर से आप लोग समझ लीजिए, जब आप लोग मल्टीमीटर चेक करोगे एक तरफ से 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आए, और जब वायर बदल के चेक करोगे वहां पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आए तो फोन ओके है, ऑन हो जाएगा। आप लोग देख लो, मगर कभी कभी फोन ऑन क्यों नहीं होता, मगर इस कंडीशन में कभी कभी फोन ऑन क्यों नहीं होता, क्योंकि गाइस मेरे पास है फोन इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो को कट मत करना गाइस, यहाँ पर पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, जो फोन ऑन हो जाता है उसमें कितनी रीडिंग आएगी, और कोई कोई फोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं होती उतनी ही रीडिंग आएगी, मगर ये ऑन क्यों नहीं होता, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे टच वाला हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो मेरे पास ये एंड्रॉयड फोन है, आप लोग देख लो गाइस। ठीक है, इसमें आप लोग देखो कि 4 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये प्लस वाला है और इधर वाला बीच वाला, ये इधर बीच वाले बगल वाला, ये हमारा माइनस वाला है। कोई भी फोन हो गाइस, एंड्रॉइड हो चाहे टच वाला हो, उसमें कनेक्टर लगे रहते हैं, उसमें भी प्लस माइनस भी एसआई वाले पॉइंट दिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसे आप लोग देखिए, ये जो हमारा मल्टीमीटर अभी ऑफ कंडीशन में, इसे हम लोग बजर मोड में सेट कर लेंगे बीप के मोड में। जब भी गाइस हम लोग कुछ चेक करते हैं सॉल्टिंग वॉल्टिंग, तो बीप के मोड में रख के चेक करते हैं। पहले मैं इसे अच्छी तरह से बना लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, आपको भी देखें ये। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो हम लोग वायर आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर एक साउंड आना चाहिए, साउंड आ रहा है, इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा सही। देखो ये प्लस वाला हम लोग प्लस पे लगाएंगे, ये माइनस वाला माइनस पे लगाएंगे, यहाँ पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। जब हम लोग प्लस वाला प्लस के साथ लगाएंगे, माइनस वाला माइनस के साथ लगाएंगे, यहाँ पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब सही है। इसमें क्या लिखा है, जब आप लोग एक तरफ से चेक करोगे 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आए। ठीक है, देखो आ रहे हैं बिल्कुल सही, 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। अब हम लोग वायर बदल के लगाएंगे, देखो वहां पर 250 लेकर 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। देखो देखो गाइस, यहाँ पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आ रही, बिल्कुल सही आ रही, मगर ये हमारा फोन ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि गाइस बिल्कुल सही है, कोई भी सॉल्टिंग नहीं गाइस। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, और जब वायर बदल के चेक करोगे वहां पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आए तो फोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखो वही रीडिंग आ रही है, जब हम लोग वायर बदल के चेक कर देंगे यहाँ पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आ रही। देखो ओके, फोन हमारा ऑन हो जाना चाहिए गाइस, ये ऑन भी हो जाता है गाइस। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। कभी कभी इस केस में गाइस फोन ऑन नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान रखना गाइस। तो गाइस कुछ लोग ये कमेंट किया करते हैं, करण भाई जैसे हम लोग एंड्रॉयड फोन चेक करते हैं उसमें इतनी रीडिंग नहीं आती, आप लोगों के सामने गाइस इतनी रीडिंग उसमें भी आएगी, चाहे की पैड वाला फोन हो उसमें भी इतनी रीडिंग आएगी, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है गाइस, आप लोग ध्यान रखना गाइस। सेम बात है, ठीक है, जिसे हम लोग बाहर रखेंगे, आप लोगों ने पता कर लिया है इस फोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं है, ये फोन हमारा ऑन हो जाएगा। मगर गाइस कभी कभी इस केस में फोन ऑन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी गाइस। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको की पैड फोन भी चेक करके दिखा देना चाहता हूँ गाइस, तो इसे हम लोग बाहर रखेंगे। ठीक है, बैटरी को, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो 3 पॉइंट दिए हैं, इधर वाला हमारा प्लस का है, बीच वाला बीएसआई का है, तीसरा वाला हमारा माइनस का है। अब यहाँ पर देखो प्लस वाला प्लस के साथ लगाएंगे, माइनस वाला माइनस के साथ लगाएंगे, यहाँ पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए जैसे फोन में सॉल्टिंग नहीं होगी। देखो गाइस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग वायर बदल के लगाएंगे, यहाँ पर 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। देखो गाइस बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है, 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग है, ये फोन हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है गाइस, मगर गाइस मेरे पास यहाँ पर 2-3 फोन है,
मान लो उसमें इसी प्रकार रीडिंग आ रही है मगर वो ऑन नहीं होते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। गाइस आप लोगों के पास भी इस प्रकार के फोन आते हैं तो आप लोग कैसे बनाओगे, चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप रहेगा गाइस, इसे हम लोग बाहर रख लेते हैं, दोनों फोन को मैं बाहर रख देता हूँ क्योंकि गाइस ये ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों फोन को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर बताता हूँ गाइस, मेरे पास एक कीपैड फोन है उसी के जरिए आपको बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, और टच वाले वो फोन दोनों ऑन हो जाते हैं गाइस। यहाँ पर देखो ये मेरे पास कीपैड फोन है गाइस। सबसे पहले स्टेप पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन आ रही है फोन में, कोई भी सॉल्टिंग नहीं है, रीडिंग भी सही है गाइस, फोन ऑन हो, तो सबसे पहले आपको बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना होगा, आपकी बैटरी चार्ज है नहीं। देखो वोल्टेज कैसे चेक करोगे, ये मल्टीमीटर आगे, कोई भी मल्टीमीटर सेम टेस्टिंग रहेगी। आपको यहाँ पर DC 20 पे सेट कर लेना, 20 वोल्टेज पे आपको स्विच को घुमा के ऐसे सेट कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने कर लिया है, अब यहाँ पर हम लोग बैटरी का वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे पहले स्टेप में। ठीक, देखो गाइस यहाँ पर हमारी बैटरी लगभग यहाँ पर 3.5 वोल्टेज के आसपास चार्ज है गाइस, इतने में हमारा सेट ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, बैटरी चार्ज से कोई भी दिक्कत नहीं, आपको पहले स्टेप में बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना। दूसरे स्टेप में गाइस यहाँ पर देख लेना इसमें जंग वंग तो नहीं लगी है, काई तो नहीं लगी है, जंग लगी हो तो आप लोग ऐसे करके इसी की मदद से या ब्लेड की मदद से आप लोग ऐसे करके स्क्रैच करके इसे साफ कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने इसे साफ आफ करके सब कुछ देख लिया गाइस, दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप है गाइस, यहाँ पर आपको देखना है ये जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर भी जंग वंग लग जाती है पानी जाने के कारण, यहाँ पर भी आप लोगों को देख लेना है अच्छी तरह से, यहाँ पर भी आप लोग ब्लेड की मदद से साफ कर लेना जैसे पानी वानी गया होगा गाइस, तीसरे स्टेप में। अब चौथे स्टेप में करना क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखो ये जो पावर की बटन है, पावर की जिससे हम लोग सेट ऑन करते हैं, यहाँ पर भी आपको देख लेना है गाइस इसमें जंग वंग तो नहीं लगी गई। ठीक है, जंग वंग लगी हो तो आप लोग इसे साफ कर लेना, सेट को ऑन करके देख लेना, ऑन हो जाए तो ठीक है। ठीक है, चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में गाइस यहाँ पर आपको सप्लाई चेक करना होगा, ये जो पावर की बटन है यहाँ पर आपको सप्लाई चेक कर लेना होगा गाइस। सप्लाई कैसे चेक करोगे यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट भी किया था, कर्ण भाई जैसे मान लो यहाँ पर ये जो हमारी पावर बटन है काम क्यों नहीं करती है, मान लो यहाँ पर जैसे सप्लाई कट जाए कैसे ट्रेस करें, एक भाई ने कमेंट भी किया था, मैं यहाँ पर बता भी देना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी आप लोग सप्लाई चेक करोगे तो मल्टीमीटर को यहाँ पर ये जो बजर मोड में गाइस इसे आपको यहाँ पे सेट करना होगा स्विच को घुमाकर। यहाँ पर देखो मैंने इसे सेट कर लिया है बजर मोड में गाइस। अब यहाँ पर देखो मल्टीमीटर के दो प्रूफ रहेंगे, एक रेड एक ब्लैक, जो रेड वाला होगा इसे आप लोगों को ग्राउंड कर देना ऐसे करके, ये ग्राउंड से अटैच रहता है ऐसे करके गाइस, और माइनस से आपको चेक कर लेना। देखो गाइस मैं यहाँ पर कीपैड फोन के जरिए आपको बता रहा हूँ, मगर गाइस एंड्रॉयड फोन है आपके पास उसी प्रकार उसमें भी टेस्टिंग होगी, चाहे पावर बटन काम करे या ना करे, कोई भी दिक्कत हो इसी प्रकार होगी गाइस। यहाँ पर देखो देखो ये जो हमारा पावर बटन का माइनस वाला पॉइंट है ग्राउंड के साथ जुड़ा, ओके गाइस प्लस वाला देखेंगे, यहाँ पर देखो सप्लाई आ रही है गाइस। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे रीडिंग आके चली जाती है, इसका मतलब गाइस यहाँ पे सप्लाई आ रही है, जैसे गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ऐसे करके आ रहा, 1 आ रहा बस, तो आप लोग समझ लेना इसकी सप्लाई कटी है गाइस, और आपको फिर इसे ट्रेस करना होगा जो पावर बटन है इसकी सप्लाई कहाँ पे जाती है। देखो यहाँ पर रीडिंग आ रही है चली जा रही है, इसका मतलब सप्लाई आ रही है गाइस। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ, पास से दिखाता हूँ, जैसे मान लो कोई भी बटन है उसमें सप्लाई ना आए तो आप लोग कैसे बनाओगे, आपको पास से दिखाता हूँ। देखो गाइस जैसे ये हमारी पावर बटन है, ठीक है आप लोग देख लीजिए ये पावर बटन, और आप लोग देखना गाइस किसी किसी फोन में यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है PWR मतलब पावर बटन, तो वहाँ पर जो पावर बटन की प्लस वाली लाइन होती है उसकी सप्लाई आती है, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो यहाँ पर लिखा है गाइस GND, आप लोग यहां पर देख लो और पास में दिखाओ GND बैटरी, मतलब ये जो बैटरी कनेक्टर का प्लस वाला पॉइंट है, यहां पर वी चार्जिंग, इस चार्जिंग का प्लस वाला पॉइंट है, और यहां पर देखो DP स्पीकर सब चीज़ यहां पर पॉइंट दिए गए, जैसे मान लो वहां पर प्रिंट उखड़ जाए तो आप लोग यहां से जंपर मार के सीधा फोन को बना सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, किसी किसी फोन में लिखा नहीं रहता है गाइस, वहाँ पर उसके आसपास पॉइंट दिए रहेंगे, इस प्रकार के पॉइंट दिए होंगे, जैसे एंड्रॉयड फोन है इस प्रकार के पॉइंट दिए होते हैं, वहाँ पर चार्जिंग की प्लस वाली लाइन और बैटरी कनेक्टर की प्लस वाली लाइन होती है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर गाइस कहाँ गया जो लिखा होगा PWR, किसी किसी फोन में लिखा रहता है किसी किसी फोन में नहीं लिखा रहता है, देखो गाइस यहाँ पे नहीं लिखा गाइस, और यहाँ पर फिर भी हम लोग गाइस ट्रेस करते हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ गाइस, आप लोग बने रहो इस वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाइस जैसे आपको चेक करना है पावर बटन की सप्लाई कहाँ पे आती है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है गाइस और इनमें टच करना है, ये जो इतने सारे पॉइंट दिए हैं यहाँ पर बीप की आवाज आएगी जैसे इन पॉइंट पे सप्लाई आ रही होगी, तो हर पॉइंट पे टच करके देखेंगे। देखो गाइस यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है
यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर बीप की साउंड नहीं आ रही गई। तो अब यहाँ पर देखो कुछ केस में होता क्या है, ये जो पावर बटन है इसके पीछे आपको देखना होगा, यहाँ पर ये आपको खोलना होगा कवर, इसके इधर सप्लाई आती है किसी किसी फोन में, ठीक है गाइस। इस प्रकार आप लोग ट्रेस कर सकते हो, लिखा रहता है, नहीं लिखा रहेगा तो पॉइंट बने रहेंगे गाइस। अब इस केस में एक बार हम लोग चार्जिंग में भी लगा के देख लेंगे ये फोन हमारा चार्ज होता है या नहीं। ओके गाइस, यहाँ पर देखो ये मैंने बैटरी लगा दी, अब यहाँ पर हम लोग चार्जिंग लगाएंगे। सब चीज आपको दिखाता हूँ गाइस आज स्टेप बाय स्टेप, इस कंडीशन में आपके पास कोई भी फोन आता है तो। यहाँ पर देखो ये मैंने चार्जिंग लगा दिया, अब यहाँ पर हम लोग ये बैटरी लगाएंगे, ये मैंने बैटरी कनेक्टर लगा दिया, देखते हैं इसमें चार्जिंग ले रहा है नहीं। गाइस यहाँ पर एम्पियर तो ले रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको एम्पियर दिख रहा होगा, गाइस एम्पियर ले रहा है, ठीक है गाइस। तो आप लोग इसे खरीदना चाहते हो ये आपको 400 का मिल जाएगा गाइस। ये जो यूएसबी है वोल्ट एम्पियर मीटर गाइस, इसे आप लोग पता कर सकते हो फोन में क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो ये बता देता है इसमें एम्पियर, यहाँ पे लेगा तो मान लो चार्ज होना चाहिए फोन, यहाँ पे बता देगा। अभी आप लोग देख सकते हो 1 भी % यहाँ पे एम्पियर नहीं ले रहा है। तो हम लोग एक बार चार्जिंग निकालेंगे, ये मैंने निकाला, फिर से लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया, अब यहाँ पर देखो एम्पियर लेने लगा, 0.43 एम्पियर ले रहा गाइस। देखो गाइस यहाँ पर देखो हमारा फोन यहाँ पर देखो चार्ज होने लगा गाइस। अब इसे मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे चिमटी मदद से हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे, ऐसा करके आपको प्रेस करना है गाइस। देखो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, इसमें पावर बटन पे सप्लाई आ रही है, सेट हमारा ऑन हो जाना चाहिए। देखो गाइस सेट हमारा ऑन हो जा रहा है गाइस, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे बैटरी गाइस हिल जा रही है, उस कारण गाइस यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे सप्लाई आ रही, सप्लाई आएगी तो ऑन हो जाएगा, सप्लाई नहीं आएगी तो आप लोग चाहे जितनी बार पावर बटन को प्रेस करोगे गाइस सेट नहीं ऑन होगा। यहाँ पर देखो सेट हमारा ऑन हो चुका है गाइस। चिमटी की मदद से भी हम लोग इस प्रकार शॉर्ट करके यहाँ पर सेट को ऑन कर सकते हैं, प्रत्येक बर्तन को यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं ऐसे करके। देखो गाइस ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया जैसे पावर बटन पे सप्लाई आएगी तो कितनी रीडिंग आएगी, आना चाहिए रीडिंग, नहीं आ रही है तो गाइस आप लोग समझ लेना इसकी सप्लाई ब्रेक है, कटी है कहीं से। और रीडिंग कितनी आना चाहिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, 1400 से लेकर 1500 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। मान लो जैसे पावर बटन पे सप्लाई ना आए, आपको ना पता चले पावर बटन की सप्लाई कहाँ पे आ रही है, तो वहां पर आप लोग नोटिस करना कीपैड फोन है तो वहां पर 1400 से लेकर 1500 के बीच में रीडिंग आएगी। आप लोग खुद मल्टीमीटर में देख सकते हो गई, 1400 से लेकर यहाँ पर 1900 के बीच में रीडिंग आएगी, 1400 से लेकर 1600 1700 1800 1900 1900 इस प्रकार रीडिंग आएगी, ठीक है। रीडिंग आके 1 भी हो सकता है गाइस, देखो जैसे 1 हो जाता है, ये देखो रीडिंग आके 1 हो गया, इसका मतलब पावर बटन पे सप्लाई आ रही। तो आप लोग इस प्रकार पता कर सकते हो, यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, आप लोग इनमें चेक करोगे, मान लो इतनी रीडिंग आ जाए तो आप लोग समझ लेना ये पॉइंट हमारा पावर बटन के लिए हो सकता है। तो आप लोगों को इस प्रकार फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर नहीं लिखा रहता गाइस, और एंड्रॉइड फोन होते हैं उनमें तो और भी लिखा नहीं रहता गाइस, आप लोगों को इसी प्रकार फाइंड आउट करना होगा गाइस। देखो यहाँ रीडिंग आई चली गई, मान लो जैसे यहाँ पे कुछ भी रीडिंग ना आए, सिर्फ 1 आए, इस प्रकार रीडिंग आए 1, तो आप लोग समझ लेना इसमें सप्लाई कटी है, इसी प्रकार रीडिंग बस आए 1 बस, और कुछ भी रीडिंग ना आए तो आप लोग समझ लेना इसकी सप्लाई कटी गई। इस प्रकार आप लोग यार पता कर सकते हो पावर बटन की सप्लाई कहाँ से आ रही है और कैसे आप लोग ट्रेस करोगे, मैंने आपको बता दिया गाइस। 1400 लेकर 2000 के आसपास में रीडिंग आएगी, जो पावर बटन की प्लस वाली लाइन होगी वहां पर 1400 लेकर 2000 के आसपास रीडिंग आएगी गाइस। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो भाई ये कमेंट करते थे करण भाई पावर बटन पे सप्लाई कैसे ट्रेस करें, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ गाइस मेन वाला पॉइंट, ठीक है। जब आप लोग इतने स्टेप करके देख लेते हो गाइस, अब यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है, सबसे लास्ट वाला अब स्टेप बचा है गाइस। यहाँ पर इसके अंदर गाइस पावर आईसी लगी होगी, आप लोगों को इसे निकाल करके यहाँ पर पेस्ट लगा के गाइस आपको हीट मार के देख लेना गाइस। हीट मारना है, सबसे पहले आपको पेस्ट लगाना है, हीट मारना है, और जब आप लोगों का फोन ठंडा हो जाए फिर आपको यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगा कर गाइस सेट को ऑन करके देख लेना, ऑन हो जाए तो ठीक है गाइस, ना ऑन हो तो गाइस आप
के फोन में जो पावर ऐसी लगी होगी आप लोग उसे निकाल के रिबोन करके दोबारा से लगा दीजिए, 100% आप लोगों का फोन सही हो जाएगा। इतने काम आपको करना है। जो फोन ओके होंगे, कभी कभी जो फोन ऑन नहीं होते हैं तो आप लोगों को उस फोन में ये काम करना है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल में इसी प्रकार की नॉलेज से फुल वीडियो हरदम देखने को मिलती रहती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना।